गल्फ। एक वक्त था जब यह सुनकर सिर्फ रेत से भरे रेगिस्तान की याद आती थी, लेकिन डेटा संग्रह के बारे में जानने के बाद दुनिया के लिए वो सपनों का शहर बन गया। विकसित देशों के निवेश से और लोगों की मेहनत से ये रेगिस्तान आधुनिक शहर में बदल गया। जो कभी यहां कुली की तरह आए थे आज करोड़पति बन चुके हैं, और वही लोग आज हजारों लोगों को काम दे रहे हैं। अपने अपने व्यापार के साम्राज्यों का विस्तार करने वाले टाइकून, उच्चतम स्तर पर आने वाले प्रोफेशनल, अपनी जीतोड़ मेहनत से परिवार को अच्छे स्तर तक पहुंचाने वाले रियल लाइफ हीरो हमें धूप में कड़ी मेहनत करते नजर आते हैं। दूसरी तरफ अमीर लोगों के हाथों धोखा खाकर, एजेंटों के चक्कर में फंसकर, शारीरिक और मानसिक तौर पर दुख सहने वाले, जेल में सड़ने वाले हजारों निर्दोष, सुविधाओं के अभाव में जीने वाले कामगार, शेखों के घरों में दिन रात काम करने वाले नौकर, लोगों से दूर ऊंट को पालकर, खजूर उगाकर बेचकर अपनी जवानी को रेगिस्तान में गंवाकर अकेलेपन में जिंदगी बिता रहे लाखों युवक और युवतियां दयनीय स्थिति में हैं। यहां उनकी समस्याओं को हल करने वाले समाज सेवक और अपनों को ही धोखा देने वाली सरकार भी है। लाखों करोड़ों के पेट्रोल विदेशी मुद्राओं को मेहनत करके अपने स्वदेश भेजकर देश की वृद्धि, परिवार की सुरक्षा के लिए सब कुछ करके भी सही नाम ना कमाने वाले अनसंग हीरो की कहानी है ये। अभी भी आंखों में सपने लेकर, दिल में अरमान भरकर, डर डर कर, अनजान भाषा की नई दुनिया में घबरा कर कदम रखने वाले उस असली जिंदगी की छाया है ये गल्फ। سلام به شرکت هواپیمایی گلف جت خوش آمدید. Hello گلف جت خوش آمدید. سلام سلام. Thank you. अरे खिड़की ये मेरी सीट है। अरे मैंने रुमाल डाली। रुमाल डालने के लिए गांव जाने वाली बस नहीं है भैया, तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकते, ये मेरी सीट है। नहीं, खिड़की के बगल बैठने के लिए ही डाला मैंने। What is the problem? No problem. Problem. I put the kerchief. ये आकर सिटिंग। उठना। अरे उठ जा। Sit. Me? लेकिन रुमाल। अजीब है। अगर वक्त अच्छा ना हो तो कुछ भी नहीं मिलता। रुमाल डालने पर भी सीट नहीं मिली, मंगला को लाइन मारी वो भी नहीं मिली। भैया आप मंगला को जानते हो? नहीं जानता। मूवी की एक्ट्रेस है क्या? उससे भी बड़ी है। ओ। दीपिका जैसे गाल, काजोल जैसी आंख, सोनम जैसे दांत, सनी लियोन जैसी बॉडी, सारे कैरेक्टर को मिक्स करके पीसा जाए ना तब बनती है मेरी मंगला। ऐसी है मेरी मंगला। आई लव यू माई मंगला। भैया ये हमारे बीच की बात है, जब वो कमर पे घड़ा रख के पानी भरने जाती है ना, मेरा दिल धड़कने लगता है भैया। मुझे अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं हो पाता है भैया। आई लव माई मंगला भैया। भैया भैया वो देखिए, वो कमर, वो रूप, वो रंग बिल्कुल मेरी मंगला की तरह लग रही है भैया। ये तो बहुत ही सुंदर है तुम्हारी मंगला की बहन। भैया ये क्या चल रहा है? अगर बीच में इस फ्लाइट को कुछ हुआ तो क्या करना ये बता रही है। ये फैसिलिटी भी है क्या? भगवान का नाम लेने के बजाय अब सगुन जैसी बातें कर रही। सुनिए क्या आप मुझे अपना फोन देंगी? हेलो माँ, मैं फ्लाइट में बैठ गई हूँ, आप चिंता मत करना, ध्यान से जाना। अपना ध्यान रखना माँ। माँ अब मैं फोन रखती हूँ, ज्यादा बात नहीं कर सकती माँ। थैंक यू आंटी। हेलो कैप्टन। कुछ नहीं होगा, घबराओ मत। भैया तुम्हारे पूछने से पहले ही मैंने तुम्हें सारी बात तोते की तरह बता दी, लेकिन तुमने कुछ नहीं बताया, बताओ ना भैया।
क्या है ये, काम पे ध्यान नहीं है क्या? मुझसे नहीं होगा पापा ये काम कर कर के अब मेरा दम घुटने लगा है पापा। मना करने के बावजूद भी आप मुझसे ये काम क्यों करवाते हो पापा? ये कैसी बातें कर रहा है बेटा, मेरे काम को छोटी नजर से मत देख। ऐसा उसमें क्या है पापा? कपड़े बनाना भी इज्जत का काम होता है बेटा, समझ गया? अच्छा, हमारे पास तो खाने के लिए खाना नहीं होता, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते, सारा दिन मेहनत करने के बाद भी 200 रुपए भी नहीं मिलते हमें, क्या रखा है इस काम में पापा? अरे भगवान हर इंसान को कुछ देता है, किसी को मिट्टी देता है, किसी को सोना देता है, हमें कपड़े दिए है ना, वो जो भी दे उसे स्वीकार करना चाहिए। इसे स्वीकार करना नहीं हारना कहते हैं पापा। ए अब आप भी समझाओ पापा को माँ, सारी दुनिया मशीन से काम करके आगे बढ़ रही है और हम एक इन पुराने चरखों पर ही अटके हैं। छी, ये कैसी बातें कर रहा है तू? हाँ सोनू बोल, क्या हुआ? अरे अपना राज दुबई से आ गया है। क्या वो आ गया? ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। क्यों बेटा, ये तुम्हारे लिए ठीक है ना? अरे छोटे कैसा है? ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। क्यों रे, बीवी के लिए लाया, मेरे लिए कुछ नहीं? ये सब तुम्हारे लिए ही तो लेके आया हूँ। ये क्या आलतू फालतू की चीजें उठा लाया है, सोना लेकर नहीं आया? दीपावली पे लेके आ जाऊंगा। मेरे जीजा पूछ रहे हैं इस बार बाइक लेकर देगा या नहीं। हाँ हाँ, इसने खरीद के दे दिया और तुम लोग बैठ के घूम चुके हैं। सुनो बेटा, अपने बेरोजगार पति को समझा सकती हो ना गल्फ जाकर कुछ पैसा कमाने के लिए? पति को छोड़कर सब नहीं रह सकते इसकी तरह। फालतू की बातें करना सब जानते हैं। हाँ देखो बेटा, ये सिगरेट तो बहुत बकवास निकली, अगली बार अच्छी लेकर आना। ठीक है पापा। चलो चलो चलो, तुम लोग बाहर चलो, बाहर जाकर खेलो। बढ़िया मामा, सब बढ़िया चल रहा है ना उधर? बेटा जहाज में बैठ रहा है, बुरी बुरी आदतें लग गई हैं आपको। मामा ये काका, कैसा है यार? अच्छा कैसा रहेगा? अरे गल्फ कंट्री जा रहा है, नवाब की तरह रहेगा, अपने जैसा नालायक समझ रखा क्या मेरे बेटे को? मामा जिस दिन मैं जहाज में बैठूंगा ना तो आपको पिलाऊंगा एक खंभा। चल यार सेंटर चलते हैं, बाद में आता हूँ ना मैं। ऐसे कैसे चलेगा, तुझे जाकर 3 साल हो गए हैं, आ तुझे हम छोड़ेंगे नहीं, चल हमारे साथ। मेरी चलना। अरे अपनी बीवी के लिए सब कुछ लेकर आया है, अपनी दीदी के लिए कुछ लेकर नहीं आया? अभी आपके पति को लेके जा रहे हैं लेकिन रात होने से पहले घर आ जाएगा। चल चल। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? मैं भी चलूंगा। तिरुपति जा रहे हैं मुंडन करवाने के लिए, चलोगे क्या? नहीं नहीं नहीं। क्या हुआ यार, जीजू फिर नाराज हो गए क्या? चल चल, घर जमाई का हाल यही होता है। चल चल। अबे सुन यार, हमसे पहले तेरे पापा ही माँ बैठे मिलेंगे हमें। इतनी जल्दी समय बीत गया, और 10 दिन रुक जाओ ना। छुट्टी नहीं दे रहे हैं, ध्यान रखना, वक्त पे खाना खा लेना। रुक जाओ ना। चलो चलो अब मैं चलता। हाँ हाँ बहुत हो गया, आप चलो भी, बीवी से बात करके कुछ नहीं मिलने वाला है, समझे? जल्दी जाओ, फ्लाइट का टाइम हो गया है। और सुनो, इस बार ओवर टाइम ज्यादा करना, घर की छत ढलवानी है बेटा, अब जाओ। सुनो राज, इस बार याद से बिस्किट लेकर आना, भूलना मत। कुत्तों का बिस्किट क्या तुझे खाना है? मुझे नहीं, जीजू को खिलाना बिस्किट। सुनिए रास्ते में खाने के लिए। बिरयानी है क्या? अरे ये तो बहुत टेस्टी बनी है, इसे। नहीं यार, हम भी चलेंगे तेरे साथ। यार अगर वहाँ जाएंगे तो इंजीनियर या सुपरवाइजर बन जाएंगे, और यहाँ रहेंगे तो गधे के गधे बने रहेंगे। इज्जत जा रही है यार, किसी भी हाल में वहाँ आना है और पैसा कमाना है। जरूरत पड़ी तो हम लोग अपने घरों में झगड़ा करके आएंगे। मेरे दोस्त, अपनों को छोड़कर जाना बहुत ही मुश्किल होता है, चलता हूँ मैं। ठीक है यार, चल वो दे, ख्याल रखना, मैं लेकर आता हूँ। चल चल। गल्फ किस लिए बेटा, अगर ये काम पसंद नहीं आया तो यहीं कोई नौकरी कर ले। जो पढ़ाई की उससे कौन सी अच्छी नौकरी मिलेगी पापा? अगर मुझे यहीं नौकरी करनी थी तो मुझे ज्यादा क्यों नहीं पढ़ाया पापा? इन चरखों की आवाज के बीच मेरा जीना मुश्किल हो रहा है, अगर आप लोग मुझे नहीं जाने देंगे तो मैं भी अपने भैया की तरह आत्महत्या कर लूंगा। तुझे जहाँ जाना है वहाँ चला जा, लेकिन दोबारा इस घर में मरने मारने की बात मत करना। हम यहाँ अकेले मरते हैं तो मर जाए, जाने दीजिए, जाने दीजिए इसे। मेहनत ना करने वाले डरपोक लोग हैं ये, इसे जहाँ जाना है जाने दीजिए। ये क्या कह रही हो? इतने सालों में मैंने कभी मुंह नहीं खोला, लेकिन आज मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ,
इसे जाने दीजिए, जाने दीजिए। सत्यपाल मंगल रेड्डी ऑफिस का मतलब है गल्फ, गल्फ का मतलब है सत्यपाल मंगल रेड्डी। कैसे भेजना है, कहाँ भेजना है, ये सब मैं देख लूंगा राजा। भाई इसका नाम राजा नहीं, सेवा है। देख काले राजा, इस मंगल रेड्डी के ऑफिस में जो भी आता है ना, वो राजा बन जाता है। मेरे हाथ की रेखाएं वैसी हैं। करीमनगर, निजामबाद जैसे जिलों में मैंने अकेले ही 120,000 लोगों को गल्फ कंट्रीज भेजा है। आसपास के किसी भी गांव में अगर किसी ने भी घर बनाया है तो उसकी वजह ये मंगल रेड्डी ही है। इसलिए इन गांव में रहने वाले लोगों को अपने घरों के नाम मंगल रेड्डी निवास रखना चाहिए। वैसे तो मैं पब्लिसिटी का बिल्कुल भी भूखा नहीं हूँ, लेकिन अगर सच कहूँ तो हर गांव में मंगल रेड्डी का पुतला जरूर होना चाहिए। लेकिन बाहर आपके बारे में लोग बहुत बुरा बोल रहे हैं। देख काले राजा, ये सोसाइटी है, यहाँ पर बड़े बड़े लोगों पर, बड़े बड़े नेताओं पर, अभिनेताओं पर पब्लिक कमेंट करती है, तो मैं क्या चीज हूँ? आफ्टर ऑल आई एम ए ह्यूमन ना। देख काले राजा, ये बात शायद 1976 की होगी। नक्सलाइट का समूह हमारी तरफ चला आ रहा था। उस समय लड़के उत्तेजित होकर देशभक्ति में गांव अपना है, ये गली अपनी है, हर गीत हमारा है, गांव अपना, गली अपनी, तलवार अपनी, जंग अपनी, देश अपना, देश अपना। ओए, ऐसा बोलकर सारे लड़के जंगल में जा रहे थे, तो मैंने उन्हें रोका, कहा जंगल से बेहतर रेगिस्तान में चले जाओ। ऐसा बोलकर मैंने नौकरी दिलवाकर उन्हें गल्फ कंट्रीज में भेजा। बताओ क्या गलत किया? मंगल रेड्डी को गलत बताओगे? वहां से इतने करोड़ भेज रहे हैं वो लोग, तो इसकी वजह कौन है? ये मंगल रेड्डी तो है। क्या ये गलत है? क्या ये समाज सेवा नहीं है? इसीलिए मैं रूठ गया, मुझे गुस्सा आ गया। ग्रेनाइट की दुकान डाली थी, लेकिन इन लोगों ने बच्चों की तरह मेरे पास आके जिद की और बोला, भाई नैया पार लगा दो। दुबई, कतर, सऊदी, इन सभी देशों के शेखों ने, राजाओं ने फोन करके मुझे कहा कि हे मंगल रेड्डी, तेरे जिले में इतने जवान लड़के हैं और हमारे पास बहुत सारा पैसा, हम देंगे ना, तो तू उनको भेज दे। बताओ मैंने क्या गलत किया? समाज सेवा नहीं की क्या मैंने? उसके बावजूद मुझे गलत बताते, क्या ये सही है? लेकिन सब कह रहे थे कि धोखा देंगे भैया। अरे तू चुप कर ना। सर ये लीजिए पैसा। वहां जाने के बाद कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? जरा पकड़ा ना तो। ये मेरी चप्पल है और ये मेरा गाल है। अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो तुम ऐसे 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 मारना मुझे। कोरूटला से इंदिरा टूर्स में बैठो, वो सीधी तुम्हें शमशाबाद एयरपोर्ट पर ले जाकर छोड़ देगी। इतनी बड़ी फ्लाइट, वहां की सुंदर सुंदर लड़कियां तुम्हें खुशी से हंसते हुए अंदर बिठाएंगी, और ये फ्लाइट हवा में 30,000 फीट ऊपर उड़ेगी। उतरते ही वहां पे तुम्हें एसी कार मिलेगी, वो एसी कार तुम्हें एसी ऑफिस में ले जाएगी। स्वर्ग की अनुभूति, आसपास स्वर्ग महसूस करो, तुम्हारी मुट्ठी में स्वर्ग है, तुम स्वर्ग के पास हो, तुम स्वर्ग में पहुंच गए हो, तुम स्वर्गीय हो गए हो। स्वर्ग को महसूस करो, स्वर्ग में भ्रमण करो, स्वर्ग में विचरण करो। भैया क्या स्वर्ग आ गया? स्वर्ग आया या नरकी ये मुझे नहीं पता, लेकिन हमें जहां आना था हम वहां पहुंच गए। चलो अच्छा? हमें कब किससे मिलना है ये भगवान तय करते हैं, आगे अगर मिलना होगा तो फिर मिलेंगे। चलो चलते हैं। ओके भैया, चलता हूँ भैया। थैंक यू सर। सलाम अलैकुम। पासपोर्ट। सलाम अलैकुम। वीजा कॉपी मौजूद? नजर आफी कमारा। शुक्रन। वेटिंग हॉल कहाँ है? थोड़ा आगे जाकर राइट में ही है। हाँ ठीक है। सुनो बेटी, यहाँ ऐसे कपड़े नहीं पहनते, बुरखा लेकर आई हूँ। लेकर आई हूँ दीदी। ठीक है। What is this? सर इसे मेरे फ्रेंड ने मंगवाया है सर। सर 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 मेरे दोस्त ने मंगवाया है सर। सर इसे अरेस्ट करो। सर सर प्लीज सर, मेरे दोस्त।
चलो भैया, वो क्या लेकर आया था? बेचारा अनजाने में कोई दवाइयाँ लेकर आ गया होगा। यहाँ दवाइयाँ लाना मना है, बाहर से कुछ भी लाना मना है। यहाँ 20 साल की सजा तो होगी ही उसे। यहाँ ऐसे कई लोग हैं, आपके लिए कोई आ रहा है? आ रहे हैं जी, वेटिंग हॉल में बैठने पर वो आकर मिलेगा, ऐसा एजेंट ने कहा था। वेटिंग हॉल उधर चले जाइए। ठीक है, थैंक यू। आप हैदराबाद की फ्लाइट से आई थी ना जी? हाँ, उसी से आई हूँ। मैं भी उसी फ्लाइट से आया हूँ। अलामन कंपनी में? मैं भी उसी कंपनी से आया हूँ। हे भगवान, मेरे अंदर का आधा डर निकल गया। आप गोदावरी जिले से हैं? हाँ, आपने सही पहचाना मुझे। मेरा गांव अमलापुर के पास में ही है। मेरे पापा ट्रक ड्राइविंग करते थे, वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक एक्सीडेंट में चल बसे। वो बहुत ही शराब पीते थे और मुझे पीने वालों से मुझे बहुत ज्यादा ही नफरत है। आप तो शराब नहीं पीते हैं ना जी? फिर तो अच्छा है जी। बेचारी मेरी माँ बहुत रोती थी, सबने सोचा था कि वो मर जाएगी, लेकिन मैं हूँ ना जी, इसलिए वो जी रही है। माँ मुझे बिल्कुल काम करने नहीं देती थी। माँ को कैंसर हो गया जी। पहले ये सिर्फ पैसे वालों को ही होता था जी, लेकिन अभी सबको होने लगा है जी। हमारे मामा जी ने हमें बड़ा करके घर बेचकर हॉस्पिटल भेज दिया, और इलाज में तो बहुत पैसा लगता है ना जी, इसलिए मेरा वीजा निकालकर मुझे यहाँ भेजा है। काम बाली की नौकरी है, महीने के 20,000 रुपए देंगे, और घर वालों से बात करने के लिए मुझे फोन भी देंगे। ज्यादा बात कर रही हूँ क्या जी? धन्यवाद जी, मैं पहले डर गई थी। कौन है? मैं हूँ। और शिवा? वो मैं हूँ। हाँ आइए, चलो आ जाओ। अरे मैं उठा लूंगी जी। कोई बात नहीं, मैं उठा लेता हूँ। लेकर आओ। सलीम, इन्हें छोड़ने के बाद तुम साइट पर आ जाओ, मैं निकल रहा हूँ। ठीक है भाई। आपसे बात करके वक्त का पता ही नहीं चला। मुझे भी। इसी घर में काम करने वाली है। बाप रे, बहुत सुंदर है जी, इतना बड़ा घर। ए, साहब आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। लक्ष्मी, नई काम वाली। जीप जवाज़ो। पासपोर्ट निकालो। ए, पासपोर्ट निकालो। वल्लाह जल्दी करो, टाइम नहीं है बाबा। सलाम वालेकुम। अगर बाहर जाना है तो साहब की परमिशन लेनी होगी। लीजिए साहब। सलाम। सलाम। शेर साकल बैठ। अच्छा बताओ, तुम्हारी यात्रा कैसी रही? बहुत ही अच्छी रही दीदी। मैं भी यहाँ काम करती हूँ, वो है मालकिन। मैम साहब नई आई है। सलाम। घर का सारा काम समझा देना। ओके। डॉक्यूमेंट पर दस्तखत करो। ये सैलरी एग्रीमेंट है, महीने के 600। 1000 बताया था ना। अगर कंडीशन की बात करोगे तो वापस सीधा इंडिया पहुंच जाओगे। कर दे यार, साइन कर दो। कर दे। दीदी मैं अभी आती हूँ। तुम शिवा, एक मिनट। कुछ खास नहीं है, जब तुम इस तरफ आओगे तो आते रहना। ये मिठाई है, माँ ने बनाई है। सुहाजा सुहाजा मलायू आना मुआतन। क्या कर रहे हो? इसको क्यों मारा तुमने? उसने क्या किया है? ये मुझे बताओ, उसे तुमने क्यों मारा? जा इसको।
बताओ मुझे क्यों धक्का दिया तुमने? माफी का लफ्ज नहीं, निकाल। बहुत मेहनत करनी पड़ी भैया, बहुत थक गए हैं, पैसा भी टाइम पे नहीं मिल रहा है, गांव में हमें पैसा भेजना है। भैया राज भाई का रूम नंबर? आगे किसी और से पूछो। नहीं है, आगे जाकर किसी और से पूछो। अरे यार ये मूवी तो पक्का सुपर हिट रहने वाली है, मैं तो पहला शो ही देखूंगा। भैया राज का रूम नंबर बता सकते हो? एक मिनट रुक, मैं बात करता हूँ। राज कौन है? हाँ वही फोरमैन राज जी। मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। फोरमैन राज जी? सिरसिला। अच्छा सिरसिला राज जी। हाँ। वो आपके क्या लगते हैं? वो मेरे मामा हैं। अच्छा मामा लगते हैं। आइए 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 आइए, मैं लेके चलता हूँ। आइए आइए। अरे राज जी। हाँ मैं फिर करता हूँ। हमारे फोरमैन राज जी से मिलने के लिए उनके गांव से शिवाजी आए हैं। फोरमैन? अरे फोरमैन तो मैं हूँ। अरे तू भी तो इंजीनियर है चंटी। इनका नाम है चंटी भाई, ये है असली फोरमैन, ये भी हमारी तरह लेबर ही हैं बेचारे। बस कर लो। तू बिना बताए यहाँ कैसे आ गया? एक बात बोलू बेटा, अगर तू आज झूठ बोल के नखरे दिखाएगा ना, आप यहाँ पर ऐसे रहते हो? हम बताता हूँ, कर दी जाएगी। मेरी बात समझ में आई ना तुझे? देखो एक और फोरमैन आ गया। क्यों रे, शाम की फ्लाइट है ना? भाई आपके कूलिंग ग्लासेस मिल जाए तो दे दे। क्यों रे, सेंट की बोतल, मोबाइल सब खरीद लिया ना? खरीद लिया भाई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वासुदेव से 30,000 उधार लेकर के गली शॉपिंग करके आया हूं। ठीक है, सब लोग बहुत ही अच्छे हैं और आपको बहुत याद करते हैं। जाते वक्त यहां कर्जा करना, आते वक्त वहां कर्जा करना, सारी जिंदगी ब्याज देने में गुजर जाएगी। चुप करो, तुम लोग शादी के लिए जा रहा और तुम उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। अच्छा है ना, एक महीना वहां बिता के 2 साल यहां पड़ा रहेगा इसी की तरह। बात तो सही है। बहन का ध्यान। थैंक्स भाई। सुन भाई, ये मेरी तरफ से एंजॉय। ये रितेश है, हमारे गांव का ही है, अभी अभी आया है। हाय। यहाँ हाय कुछ नहीं होता, सब डाउन ही है। तू शाम की फ्लाइट से जा रहा है ना? ये मेरी बहन को दे देना। शुक्रिया भैया। बहुत अच्छा। ओके भैया, चलो ठीक है। ओके, ध्यान रखना। ओके भैया। सुन रहे, ध्यान रखना, स्वागत के वक्त। अरे अब्दुल भाई, हमारा नया रूम मेट। हाय। वो लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? अरे ऐसा नहीं है दीदी। यहाँ आते वक्त औरतें अपने पतियों को भी साथ लेकर आती हैं और ऊपर से झूठ भी बोलती। ऐसा कुछ नहीं है दीदी, एक ही फ्लैट से आए थे, और कुछ नहीं है। वो पहचान हवा में हुई थी, उसे हवा में ही छोड़ दो। इन लड़कों से बात करना उतना अच्छा नहीं होता, रेगिस्तान में एक बूंद गिरते ही जैसे लोग झूमने लगते हैं ना, हमारी जिंदगी भी वैसी है। हम अगर प्यार से दो बातें कर ले तो बस लोग हद पार कर देते हैं। कुछ समझी तू? अगर यही मेहनत वहां की होती तो कितना कमा लेते, लेकिन क्या करें, ये बेकार का दिखावा जो करना है। वहाँ जो काम करने में शर्म आती है, यहाँ बिना किसी शर्म के कर सकते हैं। यहाँ चाहे जितनी चमचागिरी करो, जितना भी अपमान सहो, आखिर में वहाँ जाके हम इज्जत की जिंदगी तो जी सकते हैं। यहाँ सिर्फ यही टाइम पास है, ये लो, ये भी लीगल ही है। सुनिए जी। हा? आप शराब तो नहीं पीते है ना? चीची बिल्कुल नहीं पीता। ये ले, मैं नहीं पीऊंगा। ये क्यों नहीं पिएगा? क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? नहीं आज के बाद नहीं पीऊंगा, आज से मैंने जिंदगी भर के लिए दारू छोड़ दी है। हा? हा? ये कब से? इसी वक्त से। ए, 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 मुझे सब समझ में आ गया भाई कि इसने पीना क्यों छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि इसे किसी से प्यार हो गया है। कमाल है यार, मेरे जैसा नहीं देखा। यहाँ आते ही दारू पीने वाले लोगों को देखा है, लेकिन यहाँ आते ही प्यार हो जाए पहली बार देख रहा हूँ। लाख रुपए का कर्ज हुआ है, कैसे चुका पाएंगे आप? इस दुनिया में हम जैसे लोगों के पास दो ही रास्ते हैं, एक भगवान की तरफ देखना, दूसरा कर्जा देने वाले की तरफ। कर्जा चुकाना बड़ी बात नहीं है, दुख तो इस बात का है
कि हमारे बड़े बेटे ने इस चरखे से तंग आकर खुद को फांसी लगा ली और छोटे ने चरखे को ही फांसी लगा दी। रोजी रोटी देने वाला यह चरखा अनाथ होने जा रहा है। मुझे इस बात का दर्द है, पता नहीं अब आगे क्या होगा। तुम मुझसे गुस्सा हो ना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी लेके नहीं आया। तुम आ गए, इतना काफी है, और कुछ नहीं चाहिए। ये तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, किसी को बिना बताए, सबसे छुपा के, क्योंकि मेरी लावण्या को पसंद है ना। मेरी लावण्या के हाथ हमेशा सोने की चूड़ियों की तरह चमकते रहे, अच्छे लगे ना। हाथों में क्या हुआ, इतने घाव कैसे? आपका काम बहुत मुश्किल है क्या? पगली कहेंगी, मेरा काम क्यों मुश्किल होगा, मैं वहाँ फोरमैन हूँ। हाँ? वही सुपरवाइजर की तरह सबको काम बताना और फिर आकर एसी में बैठ जाना। पता है ना एसी बहुत ठंडा होता है, लेकिन गर्मी वहाँ बहुत ज्यादा पड़ती है, वही नहीं सही जाती। क्यों? जब तुम्हारी याद आती है तो मैं बेचैन होने लगता हूँ, और उस वक्त सबसे ज्यादा मैं तुम्हारे करीब खिंचा चला आता हूँ और तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। ये कैसी हरकतें कर रहे हो तुम? वो लावण्या जल्दीबाजी में ऐसा कर दिया। दिल में इतनी ख्वाहिशें रखकर 3 साल कैसे गुजारे? आपकी मर्जी। हम यहाँ सपना देखने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं, सपना ही तो दिख रहा था, देखने से उसे। तू आ जाना, तू इसके साथ देख ले। अरे सुन यार, मुझे यानी अरे यार रुक तो, आ रहा हूँ अभी। अरे यार ठीक से डालना, कितनी धूल उड़ा रहा है, इतनी धूल अंदर जाएगी तो बीमारी हो जाएगी। अरे और भाई कैसे हो, बढ़िया? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। सलीम भाई साहब के घर में थोड़ा सा रिपेयरिंग का काम है, 3 काम वाले चाहिए, आओगे? अरे सलीम भाई 3 काम वाले चाहिए। थैंक यू सो मच। चलो चलो चलते। हाँ चलो चलो चलो। शिवा भाई भूलना मत, बात कर लेना। कर लेंगे। देखो भाई हम लोग को बहुत ही संभल के यहाँ काम करना पड़ेगा, ठीक है? अरे मालूम है यार, कितनी बार समझाएगा तू। चला जा। अच्छा अच्छा ये एक बात बता, घर बहुत बड़ा है क्या शिवा? अरे तू चुपचाप चलना, यहाँ रहना होगा। हाँ ये ऐसा क्यों है? हे भगवान, क्यों रे ये सब सामान उठा के बाहर रखना है? इससे अच्छा तो पत्थर ही उठाना है यार। हाँ यार सही बोल रहा है। कैसे हो तुम? हाँ ठीक हूँ। ये तुम्हारे दोस्त हैं? हाँ कुणाल राज। यहाँ कोई देख लेगा। अच्छा देखा तूने मेरे गांव की लड़की को? वही देख रहा हूँ, इसी ने हमारे लड़के को फंसाया है। कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ यहाँ पर, तुम ठीक हो ना? काम कैसा चल रहा है, यहाँ बहुत गर्मी होती है ना? हाँ बेवजह उस दिन तुम्हें मेरी वजह से मार पड़ी थी ना। ए, छी छी, तुम
ऐसा मत सोचो, दीदी ने बताया था यहाँ यही चलता है, लड़कों से बात नहीं करनी चाहिए यहाँ। एक और बात, क्या वक्त पे खाना खाते हो ना, खाना खुद बनाते हो ना? अच्छा दे रहा है? अबे क्या करेगा, मैंने क्या किया? खाना बनाने आता है? अबे उठा के इसी से मारूंगा। तू नाटक मत कर, समझा ना? क्या चल रहा है? सलाम 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 सब। काम काम काम। चोर तीसरा किधर है? तीसरा मैं हूँ। दूसरा किधर है? दूसरा 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 वो तीसरा तीसरा टॉयलेट गया है। आ रहा हूँ। मुझे काम अच्छा चाहिए, काम पे लगो। दकीक हाँ, क्या हुआ? फ्रेनी जी मल मास्करा लामल। ठीक है, उसको मैं देखता है। सलाम वालेकुम साहब। ये तू काम चोर है, काम मुझको अच्छा चाहिए, काम पे लगो। चल जल्दी कर। क्या यार तू भी ना। ओह माय गॉड, तू मरवा ही दिया। हे, मैं बाप बनने वाला हूँ, डॉक्टर ने बताया। मैं बाप बनने वाला हूँ यार, मैं बाप बनने वाला हूँ। डरा दिया। अरे जब शादी होगी तो बाप तो बनेगा ही ना एक ना एक दिन। या अल्लाह, अब मेरा भांजा आने वाला है। अच्छा हुआ भगवान ने तेरी सुन ली बेटा, अब तो बेटा मुझे तुझसे जबरदस्ती ही लेनी पड़ेगी पार्टी। अरे चुप करो यार, पार्टी करते हैं ना। अरे चाचा चाचा सामान दीजिए। अरे परमेश, तू तो बोला था यहाँ आएगा नहीं कभी भी, फिर क्यों आ गया? ऐसा कुछ नहीं, अब वीजा वापस मिल गया, अब यहाँ आने के लिए सिर्फ वीजा ही काफी होता है ना। क्यों चाचा, आपने तो कहा था कि रिटायरमेंट के बाद चाची के साथ मजे करूंगा, वापस क्यों आ गए? कुछ समझ में नहीं आया। अबे गधे, पहले तू तो शादी कर ले, उसके बाद मेरी बात करना। जो भी हो चाचा जी, आप सही वक्त पे आए हैं, हम पार्टी करते हैं, क्या कहते हैं? वाकई बहुत मेहनत की है, तब कहीं जाके ये बाप बना। मेरे परिवार वालों को मुझसे दूर रहने की आदत हो गई है, उन्हें मुझसे सिर्फ पैसा चाहिए, यहाँ का खरीदा हुआ सामान चाहिए, बस उन्हें मेरा साथ नहीं चाहिए। अरे जब मैं घर जाता हूँ तो मुझसे पूछते हैं कि वापस गल्फ कब जा रहे हो। बेटी की शादी बहुत धूमधाम से की थी मैंने, 5 साल का नाती भी है, सोचा था जिम्मेदारियां खत्म हो गई, लेकिन नाती की पढ़ाई के लिए इस नाना का काम करता हुआ शरीर चाहिए उन्हें। उन्हें हमारी जैसी कुली की जिंदगी नहीं चाहिए, ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए, ऐशो आराम की। छी, ऐसा लगता है ये जिम्मेदारी निभाते निभाते ही मर जाएंगे। मुसीबतों का सामना तो हर इंसान को करना पड़ता है, ऊपर भगवान को करना पड़ता है, भूमि पर हमें करना पड़ता है। कुछ लोग यहाँ सिर्फ सुखी रहने के लिए ही जन्म लेते हैं, वो तुम्हारे नाती पोता और तुम्हारी बेटी भोग रही है, इसमें बुरा क्या है? हमारी सारी मेहनत को तो ब्याज वाले, स्कूल वाले या अस्पताल वाले नोच नोच के खा रहे हैं। सारी जिंदगी गुजर गई, सुख क्या होता है ये पता ही नहीं चला। यार हमारे ऊपर निकलने से पहले एक बार डांस बार चलते हैं ना क्या? है? डांस बार? क्या चाचा डांस बार जाओगे? बुढ़ापे में कहीं आदत खराब तो नहीं हो गई आपकी? माशाल्लाह, आप यहाँ? सब अच्छा है, सब अच्छा है, तुम खुश हो ना? खुश खुश, पैसा पैसा नॉर्मल है, किसी को पता नहीं चलेगा। आओ आओ, आना होगा, आओ। साहब छोड़िए मुझे। यही दिखेगा, सबको दिखेगा, दिखेगा। मालकिन किधर जा रही हो? रुको मालकिन, सबर दिखेगा। मालकिन शोहदा मस्खरा, माफ इस्ते गलहना, मैं ऐसा ही हूँ, अनार बाप। लेशन ते मौजूद तहत मुआफ़ी गिर गिर ज्यादा बाबा, सेम सेम
वल्लाही लजीम अनताबान वल्लाही मायरे खल मालकिन मालकिन क्या पहन के घूम रही है साहब ही आए थे मैंने कुछ नहीं किया मालकिन साहब 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 मेरे कमरे में तरीका है मेरे शोहर को बस में करना चाहती हो क्या समझती अपने आप को मेरी बात सुनिए क्या समझते हो नहीं मालकिन आज मैंने कुछ नहीं किया बैठे दो मालकिन अब बता दीजिए दर्द कैसे होता है जलन कैसे होती है मालकिन अब भागेगा तेरे अंदर का शैतान लक्ष्मी अब भागेगा तुम जैसी लड़की आके हमारी जिंदगियां बर्बाद करती है सब खत्म ऐसे हो सबके सब ऐसे हो मेरी कोई गलती नहीं है दीदी साहब ही वहां आए थे मुझे पता है देखिए ना दीदी मालकिन ने मेरी बात सुने बिना मुझे जला डाला वो भी हमारे जैसी है लेकिन हम काम वाली हैं वो घर वाली है यही फर्क है मर्द दूसरी लड़की के पास जाकर कहीं उसे छोड़ ना दे इस बात का डर है वो भी तो औरत ही है बस तुम उसके सामने मत जाना सलाम अलैकुम फुलूसी जी माफ़ी मुश्किल hey, क्या कर रहे किधर माफी माफी मुख माफी उस कमरे में जाओ जी जाओ लक्ष्मी यहाँ क्या ही है नहीं कुछ नहीं चोट लगी है तुम्हें खून निकला मुझे बहुत डर लग रहा है शिवा अगर ज्योति दीदी नहीं होती तो अब तक शायद मैं मर चुकी होती इब्राहिम बदतमीजी कर रहा था लेकिन बेगम ने भी मेरी एक न सुनी माँ को फोन भी नहीं करने दे रहे पता नहीं वो किस हाल में होगी ठीक ही होंगी ठीक है अब मैं जाती हूँ नहीं तो कोई देख लेगा और थोड़ी देर रुक जाओ ना मुझे जाना होगा शिवा अब्दुल भाई जब से मैं यहाँ पर आया हूँ देख रहा हूँ कि आप उदास हैं ऐसा कुछ नहीं है भाई वो मेरी बहन का निकाह पक्का हो गया है क्या खुशखबरी सुनाई है भाई सुनो सब सुनो अब्दुल भाई की बहन की शादी पक्की हो रही है कांग्रेट्स भाई अरे अब्दुल तेरा सपना पूरा हो गया रोने जैसी सूरत क्यों बना रखी है निकाह के लिए 6 महीनों के अंदर 2 लाख रुपए चाहिए पता नहीं मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा डर लग रहा है भाई सबने मुझसे बहुत उम्मीदें लगाकर रखी हैं यहाँ की तनख्वाह देखकर तो नहीं अरे, लगता क्या हम सब लोग मर गए हैं क्या फातिमा सिर्फ तेरी बहन नहीं है हम सभी लोगों की बहन है सुनो यारो हम सब मिलकर 6 महीने ओवरटाइम करते हैं क्या कहते हो कहने के लिए क्या है भाई चंडे भाई कल से हमारे ओवरटाइम का पैसा बहन की शादी के लिए बस बात खत्म अरे यार अब रोनी सूरत क्यों बना रखी है गधा कहीं का आदमी
कल तुम क्यों नहीं आए थे? कल जुम्मा था ना, हम सबकी छुट्टी थी। ओ, हमें कभी भी छुट्टी नहीं मिलती है, इसलिए नहीं पता। हाथ कैसा है? कोई बात नहीं, एक दर्द को भूलने के लिए दूसरा दर्द आ जाता है। कल इब्राहिम के बेटे ने मुझे बहुत घसीटा था, पैरों से बहुत खून बह रहा था। ए पागल, तुम क्यों रोते हो? ज्योति दीदी ने कहा है रोने से दर्द बढ़ता है, मामा पुकारने से दर्द कम होगा। बेगम मुझे जितना भी डांट ले, खाना तो देती है ना, और यहाँ सारा मेरा बहुत ख्याल रखती है। और उसके बड़े होने के बाद मैं उसी के घर जाऊंगी और उसी के यहाँ काम करूंगी। ये क्या है? फोन। तुम्हारे लिए मैं ये रिचार्ज करवा कर लाया हूँ। क्या मैं माँ से बात कर सकती हूँ? कर सकती हूँ तुम? सच में? सच। जितनी देर चाहूँ? हाँ। लक्ष्मी आ रही हूँ। लक्ष्मी। हाँ। क्या यार, हो गया तेरा? हाँ। यार मुझे एक बात तो समझ में आ गई, गर्लफ्रेंड चाहे इंडिया की हो या यहाँ की हो, गर्लफ्रेंड के फोन का रिचार्ज तो हमें ही करवाना पड़ता है। हेलो लक्ष्मी। माँ कैसी हो? माँ मैं ठीक हूँ बेटी, तुम कैसी हो? यहाँ सब कुछ ठीक है माँ, परसों मामा जी के अकाउंट में इब्राहिम ने पैसे भेजे थे, क्या आपको मिल गए? हाँ मिल गए बेटा। तुम चिंता बिल्कुल मत करो माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक होते ही मैं आ जाऊंगी। आपको देखने का मन कर रहा है माँ? मुझे भी, वहाँ कोई डर तो नहीं है ना? कोई डर नहीं है माँ, मेरा ख्याल रखने वाले बहुत लोग हैं यहाँ। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। माँ मैं फोन रखती हूँ। दीदी। क्या हुआ दीदी, आप खास क्यों रही हैं? अब मेरी उम्र ढल रही है ना, मेरी बात छोड़ो, तुम क्यों इतनी खुश हो रही हो? जवानी आ रही है ना दीदी। दीदी। स्थान में कुछ परेशानियों के कारण गल्फ की आर्थिक व्यवस्था को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये समस्या उनके लिए तात्कालिक है, वो इस समस्या का सामना कर सकते हैं, ऐसा गल्फ सरकार का विश्वास है। कुछ कंपनियों के तनख्वाह ना देने के कारण कई मजदूर सड़क पर आ गए हैं, अब आगे उनका भविष्य क्या होगा? बोलिए साहब, आप कुछ तो बोलिए साहब। गलीम। जी साहब। इसको ले जाओ। ठीक है साहब। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद ही पासपोर्ट दो। तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दोगे? मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए, तुम्हारे बच्चों की सेवा की, कई मुश्किलें उठाकर जो कोई औरत नहीं करती, वो तुम्हारे लिए काम करने पड़े, मुझे निकाल रहे हो अब? गल्फ छोड़कर नहीं जाऊंगी मैं, नहीं जाऊंगी, यही कहीं काम कर लूंगी, यही काम देख लूंगी, गल्फ छोड़कर नहीं जाऊंगी। क्या हुआ यार, क्या सोच रहा है? कुछ नहीं यार, बहन का निकाह पास आ रहा है, अम्मी से क्या कहूँ समझ नहीं पा रहा हूँ, बहुत टेंशन हो रही है। टेंशन क्यों ले रहा है, इब्राहिम साहब ने कहा था ना पैसे देंगे, तू वापस पूछ, वो कैसे नहीं देगा, हम भी देखते हैं। वो दे देगा ना भाई। जाकर पूछ, हम सब है ना तेरे साथ, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, इब्राहिम साहब साइड पर ही है, जाके पूछ। ठीक है भाई, ठीक है। क्या कब तक होगा ये? बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। नो नो, इट इज नॉट वर्किंग, ही इज टेलिंग सो मेनी क्राइसिस। वालेकुम अस्सलाम। सो मेनी क्राइसिस ही इज टेलिंग। साहब क्या है? कुछ नहीं साहब,
वो मेरी बहन का निकाह होने वाला है। अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है, गो टू वर्क। तो साहब मैं ये कह रहा हूँ, यू आर जस्ट लाइंग टू मी। साहब वो मेरी सैलरी मिल जाती तो अच्छा होता। जाओ यहां से, परेशान कर रहा है। आप बोलिए ना साहब। नहीं नहीं अभी नहीं, बाद में। अरे क्या करते हैं, छोड़ दे इसको अभी। अगर फिर दोबारा तो इसको यहाँ से लेके जाओ, समझ गए? चल जा, पूरी जिंदगी जेल में बीत जाएगी। यू आर वेस्टिंग माई मनी, आई ट्रस्टेड यू, यू आर वेस्टिंग माई मनी, गिव मी माई मनी। चलो उसको लेके जाओ। तो साहब मैं ये कह रहा था, गिव मी बैक माय मनी, आई वांट माय मनी बैक, आई ट्रस्टेड ऑन ऑल ऑफ यू। ये क्या अब्दुल, बहन से झगड़ा कर बैठे हो? चलो बैठो। कामयाब होकर लौटो। आप चिंता मत कीजिए अम्मी, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। खुदा हाफिज़ अबू, चलता हूं, बाय। अम्मी का ख्याल रखना बहन। खुदा हाफिज़ अम्मी। इब्राहिम ने पैसे देने से मना कर दिया चाचा, मुझे कॉल भी किया था लेकिन मेरे आने से पहले ही ये। तो क्या प्रॉब्लम आएगी, तो मर जाएंगे हम। मेरे बाप ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था, फसल खराब हो गई तो जहर पी के अपनी जान दे दी। जान देने से क्या होता है यार। चंडी भाई उठाओ उसे। यार अब्दुल उठ जाना मेरे यार, तूने ये नहीं सोचा तेरे जाने के बाद तेरे परिवार का क्या होगा। यार अब्दुल उठ जाना यार। चाचा अम्मी जान, अम्मी जान। शिवा कैसे हो बेटा? ठीक हूँ अम्मी जान, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अब्दुल कहाँ है बेटा? अब्दुल काम पर गया अम्मी। ठीक है बेटा, उससे कुछ कहना है अम्मी। उससे कुछ पैसों की बात करनी थी। वो जहाँ पर गया है वहाँ पर सिग्नल नहीं होता। पैसा कितना चाहिए? वो क्या है कि खर्चा 2,00,000 रुपए का है, हमारे पास सिर्फ 10,000 है। पैसों के बारे में आप चिंता मत कीजिए अम्मी। और कुछ कहना था? शादी की तैयारियां चल रही हैं बेटा, वो आए तो बात करा देना। जरूर करवा दूंगा अम्मी, शादी के लिए जितना भी पैसा चाहिए वो आप तक पहुंचा देगा। पैसा एक हफ्ते में आप तक पहुंच जाएगा अम्मी। ठीक है बेटा। पैसे कैसे पहुंचाएंगे यार, 2,00,000 रुपए चंदा जमा करने से भी नहीं होगा। कंपनी से तो हमारे पूरे पैसे आते हैं लेकिन हमारे सारे पैसे इब्राहिम अपनी तिजोरी में छुपा के रख लेता है। यार हम लोग चाह के भी उसका कुछ नहीं कर सकते, हम लोगों के पासपोर्ट भी उसी के पास है। यार अब्दुल की लाश को मार्च में रखने के लिए भी वो आगे नहीं बढ़ा। यार शिवा बेकार में अम्मी जान की उम्मीदों को और बढ़ाना किसी के लिए सही नहीं है। सच बता देते हैं, कम से कम आखिरी वक्त में अपने बेटे की लाश को तो देख लेंगी वो, एम्बेसी को बता देते हैं। नहीं यार हम उन्हें पैसा जरूर भेजेंगे, सिर्फ अब्दुल की बहन की शादी का पैसा ही नहीं, जिसको जो पैसा मिलना चाहिए वो मिलेगा। लेकिन कैसे?
उस इब्राहिम की तिजोरी को लूट लेंगे। वो बहुत डेंजर है यार। ये बहुत गलत होगा। तुम तो चुप ही रहो। हम लोग अपने हक का पैसा चुराएंगे। उसने हमसे हमारे पासपोर्ट, हमारी आजादी, सब कुछ पहले दिन ही छीन ली थी। अपने अब्दुल ने क्या गलत किया था? 3 साल मेहनत की थी उसने इस दिन के लिए। उस इब्राहिम की तिजोरी को कोई नहीं बचा सकता यार। वो मार डालेगा। हाँ? यार मार दे। अभी हम कौन से जिंदा हैं? डर डर इसकी तो मैं डर डर ये डर तो मैं बहुत पहले ही मार चुका है। अपना गांव, अपनी जमीन, अपना हक, अपनी जिंदगी सब कुछ छोड़कर आए हम यहाँ पर, समझे? यहाँ पर मरने नहीं आए हम। तुम्हें नहीं लगता? अपने पराए सबके हाथों धोखा खा रहे हैं हम। क्या साली यही जिंदगी हमारी? ऐसे जीने से मरना अच्छा है। छी, कोई सा चले या ना चले, मैं जाऊंगा जरूर। मुझे जीने या मरने की कोई परवाह नहीं है। मैं हर हालत में उसकी तिजोरी को लूट कर रहूंगा। यार सोनू, मेरी बात सुन। अगर यहाँ पर आना है तो कुछ काम सीख कर ही आ, जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग, ड्राइविंग, लेकिन कूली के काम के लिए बिल्कुल मत आना। पगार सही मिल रही है कि तुझे? सुनाई नहीं दे रहा क्या? सब कैसे हैं? सुन, यहाँ सिर्फ अच्छी पढ़ाई करने वालों को ही अच्छी जिंदगी मिल सकती है। अरे तुझे सुनाई दे रहा है क्या? मेरी बात सुन। चिंता मत करो। हेलो, जब गांव आओगे तो फ्लाइट से आना, मैं तुम्हें लेने एयरपोर्ट आ जाऊंगा। यार एजेंट की बात बिल्कुल मत सुनना। अरे क्या काम काम लगा रखा है? जब काम के लिए मेरे पास आकर गलत सर्टिफिकेट के जरिए तुम लोग अपना पासपोर्ट बनवा रहे थे, तब याद नहीं आया कि मैं एक ब्रोकर हूँ और मेरा काम यही है? जब तुम लोगों को अच्छे से इंग्लिश में बात करनी नहीं आती तो कैसे किसी को मैनेजर की नौकरी मिल जाएगी? यहाँ के गवर्नमेंट ऑफिसेज में, यहाँ के और दूसरे ऑफिसेज में जब नौकरियाँ मिल रही हैं, तो उन्हें ठुकरा कर पैसों के लालच में बिना सोचे समझे गल्फ जाने के लिए सीधा हमारे पास ही आते हो ना, क्यों? और इसकी वजह जानते हो क्या है? क्योंकि तुम लोगों में बड़ी बड़ी कमियां हैं। नकली वीजा और पासपोर्ट बनाने की आदत हमें किसने डाली? शॉर्टकट शॉर्टकट बोलकर हमें एनकरेज करने वाले कौन थे? मत भूलो तुम लोग कि हमारे जैसे ब्रोकर सिर्फ तुम्हारी वजह से ही पैदा होते हैं। सीआई साहब, इन्हें बोलिए यहाँ से जाएं। एमएलए साहब ने इनवाइट किया मुझे, वो आज मुझे प्रवास मित्र का अवार्ड देने वाले हैं, तो वहीं जाना है। इसलिए तो आज मैं शेख के गेटअप में हूँ और ये कतर के शेख का गेटअप है राजा। चलो चलो बाहर, चलो तुम भी चलो बाहर। मुझे भाई से कुछ बात करनी है। अल वही गुरु इली इली लीला। क्या बोलता है, असली शेख लग रहा हूँ ना। चलो बाहर चलो। सबसे दूर, इन सबसे दूर जाकर मुझे जीना है, शांति से जीना है। काले राजा, इतना सब होने के बाद भी तुझे वहीं जाना है? भाई सड़क पर बाइक का एक्सीडेंट होने से हम बाइक चलाना तो नहीं छोड़ देना भाई। अगर किसी को रोग हो जाए तो वो अपना संसार छोड़ देगा। शाबाश राजा, इस बात पे तो तूने 10,000 जीत लिए। तू जाके पैसा लेकर आ, मैं तेरा काम फटाफट कर दूंगा। थैंक यू भाई। अरे इसकी जरूरत नहीं, तू जा। नमस्ते भाई, चलता हूँ। हे ऊपर वाले, आपकी लीला अपरंपार है। इस तरह और कितने लोगों की सेवा करने का मौका दोगे मुझे? आई लव यू ऊपर बैठे राजा। इसको अंदर ले जाओ। जी साहब, चलो। यही हमारा कमरा है, कैसा है? हाँ? रूम अच्छा है ना? लक्ष्मी। हाँ? नेम। हाँ? नाम अयाना। माँ को फोन। हाँ? माँ। हाँ, हाँ। हाँ। हेलो मामा, अयाना मामा, कीफा किंती मामा, आना आएगी इंशाल्लाह। मामा जी। बोलो बेटा। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। मामा जी, माँ कैसी है? 4 महीने हो गए मुझे बात किए हुए। उनका इलाज चल रहा है, तू चिंता मत कर, पहले से अच्छी हैं। वहाँ का माहौल कैसा है? यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है मामा जी, अब तो दीदी भी चली गई। हेलो, माँ से बात कराई भाई साहब। हेलो,
बात कर ले मन मोबाइल मोबाइल ममनू है ना जेब मोबाइल माँ का फोन ले जेब मोबाइल गैर मसूफल كيف نتكلم كلم الموبايل كلم الموبايل هذا قانون موبايل ايوه بات کر رہی تھی موبائل پہ کس سے بات کر رہی تھی ہاں کس سے بات کر رہی تھی یو خبیز کس سے بات کر رہی تھی بول کس سے بات کر رہی تھی کس سے بات کر رہی تھی موبائل پہ بولو کس سے بات کر رہی تھی किससे बात कर रही थी يلا بابا معافني بابا علم كنت من القاتل الان فهمتك اب اي هاتھ میں سالی भागने की कोशिश करती है साली अब दिखाता हूँ तुझे भाग भागने का बड़ा शौक है ना तुझे भाग भाग सब ये खौफ में नल्ला खामोश माफी कर ला उस्मान वदा हाफे हम्माम यल्ला तायल यल्ला हल्ले हल्ले यार शिवा एक खुशखबरी है ए कल रात रियाद में इब्राहिम एक बहुत बड़ी डील करने के लिए जा रहा है सब चले जाएंगे तुम्हारे लिए यही सही वक्त है हाँ आप इंडिया कब जा रहे हो सलीम भाई रविवार को ए लेकिन यार यही हमारा आखिरी मौका है हम अंदर कैसे जाएंगे मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है लक्ष्मी कैसी है भाई लक्ष्मी से बात करके मुझे 3 दिन हो गए हैं भाई फोन करो तो स्विच ऑफ उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता भाई मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है साहब दरवाजा खोलिए मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी बहुत भूख लगी है साहब बहुत भूख लगी है दरवाजा खोलिए ना साहब आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मैम साहब दरवाजा खोलिए मैम साहब Yes, yes, everything is ready. Yeah, I bring all documents. Yes. Okay. Sarah? Yes, all the documents ready. Yes. Where Sarah? Sarah? When auntie Sarah Najum? Yella. ए इब्राहिम आपस निकलने वाला है निकल रहा है हाँ अभी निकल रहा है हाँ सब ठीक है हे वो लोग निकल गए क्या अरे यार जल्दी चलाओ ना समझते क्यों नहीं हो रहे यार कहीं पुलिस ना मिल जाए हमारे पास लाइसेंस भी नहीं है हमें वो लोग पकड़ेंगे तो नहीं
खेलना आसान नहीं होगा। इधर इधर इधर। अरे बोल रहा हूँ ना मैं तुझे। अरे यार भूल गया, उस दिन वहां से आए थे ना। उस्मान, ब्रीफकेस। You took the briefcase, right? لما تاني الذي يكون معك. What are you doing, Usman? I told you to take the briefcase. All important documents in the briefcase. यार सीढ़ियों के बाजू वाला ही रूम था यही यार। कहाँ है यार ये रे? सालिम, take a U-turn fast. हाँ जी सब जी। अरे तू ये क्या कर रहा है? अपनी उंगलियों के निशान मिटा रहा हूँ यार। इडियट, पकड़ पकड़। चलो ऐसे कट कर। इस वक्त गॉगल्स क्यों पहना यार? Salim, hey, go fast. I told you not to talk on foot. You are driving. I break your mobile. Hey, start car. Hey, ध्यान से। पैसे नहीं जलने चाहिए। मैं लक्ष्मी को ढूंढकर आता हूँ। नहीं, ध्यान से। तुम चिंता मत करो, मैं आ जाऊँगा। Please, अपना काम करो ना तुम लोग। करो करो, नहीं आता हूँ। अच्छा, जल्दी आना। हाँ। ये भी ना। चला गया यार। चल पे ध्यान दे। Go fast, Salim! जी सर। लक्ष्मी। शिवा। लक्ष्मी। शिवा। क्या हुआ तुम्हें? तुमने 3 दिन से फोन नहीं किया। तुम रो क्यों रही हो? मुझे अब और डर लग रहा है शिवा। थोड़ा स्पीड में गाड़ी चलाओ, गो फास्ट। अरे बाप रे, इतना पैसा रखा इस चीज में। लक्ष्मी आई है। हाँ यार, लक्ष्मी देवी। अबे ये लक्ष्मी नहीं, वो। अच्छा, आप भी मिल गए। सलीम, तुम यहीं रुको, हम अभी आते हैं। उस्मान, 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 ताल, उस्मान, ताल, नहीं मुश्किल, शूफी, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? फातिमा बहन की शादी के लिए चंटी भाई, अब हम इस कंपनी में कभी नहीं रह सकते। यहाँ पर जो लोग फंसे हैं ये उनके पासपोर्ट हैं, उन्हें ये पैसा देकर इंडिया भेज दीजिए। लम नकुल तैयब फी मंजल माफी नफर मिस्किन अल्लज़ी आयशक लदाई शक फी लक्ष्मी। उस अकेली ने ये कैसे किया होगा? किसी ने उसकी मदद की होगी। बिन नफर हादा। हेलो। हाँ, क्या कहा साहब? हम पूरी तरह बर्बाद हो गए। इंडिया से आए हुए सारे आदमी भाग गए हैं, वो भी पासपोर्ट और पैसों के साथ। ए, क्या बकरा है? मैं सच कह रहा हूँ साहब, वो लोग हमें धोखा देकर 9-2-11 हो गए हैं। मेरी बात मानिए। सुनो सलीम, जरा यहाँ आओ। सलीम आओ ना, बात करनी है। मुझे कुछ नहीं पता। हाँ साहब, मैं सच कह रहा हूँ, सच के। आओ आओ। भैया पैसे भेजने हैं। किधर? इंडिया में। सेंडर नेम? सेंडर नेम अब्दुल, एलमोन कंपनी। ओके। क्या रे? कितना पैसा भेजना? इधर क्या कर रहा तू? वो पैसा। इतना पैसा किधर से लाया तू? हैं? वो सैलरी मिली। किसी को नहीं मिला, तेरे अकेलों को कैसा मिला है? मेरी नहीं, उसकी सैलरी। किसका सैलरी है? क्या हुआ?
कुणाल कहाँ है? देख नहीं रहा है। वो इंडिया पैसे भेजने के लिए गया है। अरे उसे क्यों भेजा? पैसे देने। अरे क्या हुआ तुझे? डरा हुआ क्यों है? वो इब्राहिम के साथ एक दाढ़ी वाला रहता है ना, उसने देख लिया है यार। चलो जल्दी निकलो यहाँ से। चल चल। जल्दी आ जा यार। इब्राहिम के घर पुलिस आई थी, मुझसे बहुत पूछताछ की। मैटर बहुत सीरियस हो गया लगता है। लक्ष्मी की फोटो देकर इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। इस पेपर में तुम्हें किस किस से मिलना है, उनके एड्रेस है। पहले मेरा दोस्त तुम्हें इस इलाके से बाहर लेकर जाएगा, लेकिन दो तीन दिन तक तुम सबको इसी रेगिस्तान में छुपकर रहना होगा। उसके बाद ही तुम शहर जा सकते हो। थैंक्स यार। ठीक है ना? लेकिन अगर अगर तुम लोग पकड़े गए तो मेरा नाम मत बताना। मेरी अम्मी अब्बू की उम्र हो गई है, उनका मेरे अलावा और कोई नहीं है। प्लीज यार। जान चली जाएगी फिर भी नहीं कहेंगे भाई। Hey, अब्दुल की माँ को फोन लगा, शादी के लिए पैसों को लेकर चिंता कर रही होंगी। हेलो। हेलो अम्मी जान, मैं अब्दुल। कैसा है रे तू? कहाँ था तू? तूने मुझसे अब तक बात क्यों नहीं की? मैं कितनी परेशान हूँ तुझे पता है? पैसा भेज दिया अम्मी, शादी धूमधाम से होनी चाहिए, अब्दुल कहीं भी खुश रहेगा। क्या बकवास कर रहा? ऐसे क्यों बात कर रहा है तू? सब कुछ ठीक तो है ना बेटा? कुछ नहीं अम्मी, वो शादी में नहीं आ पा रहा ना, इसलिए एक हफ्ते में आ जाऊंगा। बहन से कहना कि मेरी चिंता बिल्कुल ना करे, मैं खैरियत से हूँ। अब्दुल, अब हम तेरे बिना निकाह कैसे करेंगे? कैसे करेंगे, कैसे बेटा? या अल्लाह, तू रहमो करम करना। लगता ही यही है। दीदी। लक्ष्मी, सलीम ने मुझे बताया। कैसी हो दीदी? तुम कैसी हो? ये कुछ दिन यहाँ रहेगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। दीदी एक मिनट। तुम वापस आओगे ना? चलिए यार। मुनी जी, आप तो जानती है कि यहाँ की सरकार 30 साल के ऊपर लोगों को ही हाउसमेट वीजा देती है, क्योंकि यहाँ ज्यादा उम्र की लोगों को ही पसंद करते हैं। इसलिए तुम पासपोर्ट पे उम्र बढ़ाकर ही लिखना। और हाँ, एजेंट ने 20 लड़कियों को भेजने की बात की थी, क्या हुआ? हैदराबाद में बहुत स्ट्रिक्ट है दीदी। हैदराबाद नहीं तो अहमदाबाद, अहमदाबाद नहीं तो मुंबई। तुम इतना नहीं कर पा रही हो तो आगे बिजनेस क्या करोगी? ट्राई करती हूँ दीदी। अभी के लिए विजिटिंग वीजा से ही भेज दो, आगे का मैं संभाल लूंगी। ठीक है दीदी। हाँ, ये लड़की कौन है? दीदी ये है लक्ष्मी, भाग कर आई है। बहुत सुंदर है। बहरीन के लिए नई पार्टी आई हुई है, बार गर्ल्स के लिए। तुम जैसी सुंदर लड़कियों के लिए वहाँ एक से एक ग्राहक मिलेंगे। यहाँ गल्फ में बाहर से आई हुई लड़कियों की रौनक देख कर ही सब पागल हो जाते हैं। उनसे बस थोड़ा हंस बोलकर उनके नजदीक आने का नाटक कर लेना, टेप को बरसात होगा। कमाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। वो वैसी लड़की नहीं है दीदी। कोई भी ऐसी लड़की नहीं होती, पाप कोई भी मन से नहीं करता, दूसरा रास्ता ना होने पर करता है। आगे तुम्हारी मर्जी। सुनिए, कौन है? हैं? नमस्ते भाई, सलीम भाई ने हमें भेजा है। ओ, तुम हो? आवा। ए, वहां मत बैठो। क्यों? वो दूसरी फैमिली है। दूसरी फैमिली? तुमने जिसे देखा वो मेरी फैमिली है, नेपाली, बांग्लादेश का लड़का, श्रीलंका की लड़की, पाकिस्तान की लड़की और इंडिया का लड़का। क्या ये सारी फैमिलीज ही हैं भैया? इसे कहते हैं सहजीवन। सॉफ्टवेयर की भाषा में समझाऊं तो लिव इन रिलेशन। एक जाति दूसरी जाति, एक भाषा दूसरी भाषा, ये गोत्र वो गोत्र, ऐसा बहुत होता है। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, सारी नदियाँ महासागर में जाकर मिलती हैं। समझ लो कुछ ऐसा ही है यहाँ पर। जब तक साथ रहे सब फैमिली, यहाँ से बाहर जाने के बाद अपनी अपनी जिंदगी। चलो चलो,
नेपाल वाले ने नाइट ड्यूटी की है, अब सुबह की शिफ्ट कर रहा है वो। चलो आ जा। ये सब कुछ देखकर मुझे बहुत बेकार लग रहा है। पहले मुझे भी लगता था, पर धीरे धीरे इन सब की आदत पड़ गई। गल्फ में सबसे बड़ी परेशानी जानते हो क्या है? 50 डिग्री में धूप में 18 घंटे काम करना नहीं है, अकेलापन है। अरे मुथू जी भाई, कितने साल हो गए तुम्हें यहाँ आए? 15 साल हो गया, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। सुन लिया, 15 साल से ये यही कर रहा है यहाँ पर। इसे देखकर लोग सीखते हैं, तुम लोग भी थोड़ा थोड़ा सीख लो। वैसे देखा जाए तो जिंदगी में गलतियां तो होती रहती हैं, उनसे नसीहत लो और क्या। इधर देखो, ये राम बाबू है। ए, नमस्ते। दो दिन के लिए इन्हें रख लो। अच्छा, ये एयरपोर्ट में काम करता है। ये एयरपोर्ट में काम कर रहा है? क्या जॉब है भाई? शेख को मेरा काम बहुत पसंद आया, इसलिए यही नाम मिला। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ भाई? कल सही ढंग से काम नहीं किया था, इसीलिए शेख ने हाथ तोड़ दिया। क्या काम करते हो भाई? टॉयलेट धोता हूँ। अपने देश में तो सिर्फ अपने देश वालों का ही साफ करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, सबका साफ करना पड़ता है। फ्लाइट से आते समय तो यही लग रहा था कि किसी स्वर्ग में जा रहा हूँ, अब पता चला कि ये तो नरक का भी बाप है। ए, तुमको क्या लगता है वो लोग अभी यहीं पर होंगे? पास के किसी शहर में पहुंच चुके होंगे। बहाने बंद करो और ढूंढो उन्हें। ए, जी साहब। सब लोग किधर है? उसी का तो पता कर रहा हूँ। अजीब है, पूरी महाभारत कह दी, अभी तक समझ ही नहीं पाए कृष्ण कौन है, अर्जुन क्या कौन है। कोशिश कर रहा हूँ साहब, कोशिश कर रहा हूँ। रोज मारते थे, बहुत बुरी तरह मारते थे, मुझे सहन करना मुश्किल हो गया था, इसलिए मुझे उनकी सारी बातें मुझे माननी पड़ी। मुझे वो लोग कपड़े भी नहीं पहनने देते थे, बेजान गुड़िया की तरह खेलते थे मेरे साथ। सब कुछ होने के बाद गांव के कोने में लाकर फेंक दिया, ऊपर से चोरी का इल्जाम लगाकर पुलिस में कंप्लेन भी की, इसलिए यहाँ आई हूँ। कैसे भी करके इसे गिराने के लिए दीदी से पूछ रही हूँ। यहाँ अबॉर्शन नहीं करते, अगर मर्द परमिशन ना दे तो अस्पताल भी नहीं जा सकते। बच्चा गिराना बहुत खतरनाक होता है दीदी, हमारे गांव में एक लड़की की मौत ऐसे ही हुई थी। तेरा क्या है, तू कुंवारी लड़की है, वहाँ इसका एक पति और 2 बच्चे भी हैं, अगर ऐसे गई तो एक्सेप्ट करेंगे क्या? यहाँ के लोग इंसान नहीं है दीदी, राक्षस है। सरला, ब्लाउज खोलकर दिखाओ। लेकिन दीदी सबके सामने। अरे दिखा ना। दिख रहा है ना, दांतों से काटने के निशान, सिगरेट से जलाने के निशान, नाखूनों से नोचने के निशान। ऐसा यहाँ के शेखों ने नहीं किया, इंडिया में इसके पति ने किया। यहां और वहां के मर्दों में कोई भी फर्क नहीं। हाँ मंगल रेड्डी, मैं बोल रहा हूँ, ब्याज वाला नारायण दास। हाँ हाँ बोलो। 100 लोग चाहिए मुझे। 100 लोग चाहिए? सच कह रहे हो? नेटवर्क कम है, जरा बाहर आ रहा हूँ। क्या हुआ, बड़ी ढीली आवाज में बात कर रहे हो? फिर से वही हो गया क्या? थोड़ा संभाल के रहना, नहीं तो हमें उठा लिया जाएगा। लकीली अभी भी हमारे पास बकरे आ रहे हैं। अभी भी एक काला बकरा अंदर बैठा है। अरे बकरे छोड़ो, यहाँ भेड़िए पैदा हो गए। क्या कहा? कुछ लोग तिजोरी तोड़ पैसे लेकर भाग गए। अरे बाप रे, यहाँ पर काम रुक गया है, मेरा मालिक मुझे रोज डांटता है यार, क्या करूँ मैं, समझ में नहीं आता। अच्छा, हमारे गांव वाले इतने आगे बढ़ गए? एक मिनट, काले राजा भाई, तुझे दरवाजे तिजोरियाँ तोड़ना आता है क्या? नहीं भाई, आप बोलोगे तो सीख लूंगा भाई। रहने दे, जरूरत पड़ी तो वो खुद ही सिखा देंगे। एक बात ध्यान रखो, अगर बिल्ली को कमरे में बंद करोगे तो वो नोच खाएगी, भूलना नहीं चाहिए। इस बार मैं जिन्हें भेज रहा हूँ ना, उनका ध्यान रखना, उनको तनख्वाह बराबर देना। बाय राजा।
एक बार घर पे फोन लगा लेता हूँ। ऊपर वाले, तुम किसी को नहीं छोड़ते हो, धोखेबाजों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ते हो। अच्छा सुनो रानी, हमारी तिजोरी पे ताला लगा हुआ है ना? हाँ तो एक और लगा दो, नहीं है तो फिर तिजोरी के आगे से हिलना मत। क्या करती हो? काम करते हैं। 2 साल से हम यहाँ अकेले ही रह रहे हैं। आप कौन काम करते हैं? फोरमैन हूँ मैं। हाय दैया फोरमैन। यहाँ क्या करने आई है? कुछ नहीं, कपड़ा प्रेस करने आए थे। सब कुछ समझ में आ रहा है मुझे। बाद में करते हैं, हम जाते हैं। बाय। क्या रे, तू तो ऐसे झूल रहा जैसे सांप को मणि मिल गई हो। तू जानता नहीं है उस पर मुझ जैसे नाक का पहरा है। नहीं भाई, वो तो ऐसे ही। सभी ऐसे ही बोलते हैं रे। सब इंडिया से यहाँ खूब सारा पैसा कमाने के लिए आते हैं, इसलिए पैसे कमा और शांति से रह। देख, अगर एक बार यहाँ फंस गया ना तो निकल नहीं पाएगा बाहर। ये गल्फ एक सुंदर जेल की तरह है, इसलिए दूर रहना, इस मामले में मत फंसना। यहाँ का कानून बहुत खतरनाक है। अरे अभी से चालू कर दियो। अबे बंद कर रहे, ना दिन देखता है ना रात देखता है, जब देखो चालू हो जाता है। अरे ओ बंगाली बाबू, सुना ही नहीं देता, बहरा हो गया क्या? जी ना, हराम कर दिया इसने। भाई तुम्हारा रूम बहुत अच्छा है, हर वक्त पड़ोस का संगीत खुल के यहाँ सुनाई देता है। सुपर। अभी और अच्छा लगेगा, 4 दिन रह के देख, पता चल जाएगा। ऐसा लगेगा ट्रेन में कोई भिखारी हारमोनियम बजा के भीख मांग रहा है। बहुत आया सुपर बोलने वाला। अरे क्या बोल रहा है? अबे बंद करना। किसी दिन मूड खराब हो गया ना तो जाकर उसका अकाउंट बंद कर दूंगा। भैया आप भी अकाउंट खोल सकते हो ना भैया। कौन सा अकाउंट बे? हाँ। तब तो पैसा घर तक पहुँच गया समझो। हाँ। क्यों रे, तुझे भी अपनी बीवी याद आई क्या? चल जा। शर्मा रहा है। मुसीबत है यार, चैन से सोने भी नहीं देते। रोमांटिक म्यूजिक सुना सुना के बर्बाद कर दिया है। जाना जरूरी है? 2 साल लावण्या, सारा कर चुका दूंगा। तुम अपनी मेहनत की कमाई को बेवजह क्यों खर्च कर रहे हो? किसने बोला था सोना लाने को? पहले ही हम बहुत परेशान हैं। 3 साल मेहनत से काम करके हमने अपना कर्ज चुकाया है, अब फिर से तुम्हारी तनख्वाह कट जाएगी। नहीं ऐसा नहीं है, इस बार कुछ भी नहीं कटेगा, इब्राहिम तनख्वाह भी बढ़ा देगा। उतना तो हम यहाँ भी कमा सकते हैं ना। यहाँ ग्रेनाइट फैक्ट्री में काम करने के लिए तमिलनाडु से उड़ीसा से बहुत लोग आ रहे हैं। तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? कहो तो मैं काम कर लेती हूँ, दोनों साथ मिलकर कमाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। तुम काम करने क्यों जाओगी? तुम्हें रानी की तरह रखने के लिए तो मैं ये सब कर रहा हूँ। बिना पति के रानी बनने का क्या फायदा? एक अकेली औरत के बारे में पराए मर्द न जाने क्या क्या सोचते रहते हैं। सुनिए जी, गाँव और परिवार को छोड़कर ऐसी कमाई से क्या हासिल होने वाला है बोलिए? तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती, मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते? तुम्हें समझ में नहीं आएगा। मैं समझती हूँ, तुम मुझे नहीं समझ रहे। मुझे कब तक अकेला रहना पड़ेगा? तुम मुझे एक बच्चा दे दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा, ठीक है ना? ए, तुम सच बोल रहे हो ना? मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? हेलो लावण्या, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम बताओ कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बहुत याद आ रही है ना? तुम ठीक तो हो ना? बच्चा कैसा है?
डॉक्टर के पास जाकर आई थी, कहा सब कुछ ठीक है, उन्होंने कुछ दवाइयां दी हैं। वक्त पे खाती रहना, समझ रही हो ना? भारी सामान मत उठाना, सेहत का ध्यान रखना। बच्चा परेशान करता है ना? कभी कभी लात मारता है, शायद अपने पापा पर गया है। एक बार फोन मेरे बच्चे को देना। सुनो बेटा, मैं तुम्हारा पापा, नाराज हो क्या? माँ को रुलाना मत, बेचारी पगली है। हम दोनों मिलकर तेरा ख्याल रखेंगे, तुम्हारे आने के बाद वो खुश हो जाएगी। हम दोनों तुझे बहुत प्यार करेंगे बेटा, उसके बाद तुम्हारे पापा तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तू चिंता मत कर बेटा। हम दोनों मिलकर तेरी माँ की हम बहुत सेवा करेंगे, बहुत सेवा करेंगे बेटा। दीदी, मरकर आपकी कोख से जन्म लूंगी, आप जो कहोगी मैं वो करूंगी, जितना काम करने को बोलोगे मैं करूंगी, पर कैसे भी करके इस बच्चे को गिरवा दीजिए, आप मेरी मदद करिए ना दीदी। दीदी, रावी दीदी को कुछ होगा तो नहीं ना? कुछ नहीं होगा, तुम आओ सो जाओ। बेचारी रावी दीदी, बेचारी मुसीबत की मारी है, उसके साथ बुरा हुआ है। हम खुश नसीब है कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, भगवान हमारी परीक्षा लेता है, हमें कभी घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। सो जाओ। हेलो, पुलिस की रेड पड़ने वाली है। पुलिस की रेड? हाँ। ठीक है ठीक है, ओके। हे, उठो उठो उठो, ए ए उठो जल्दी, अरे पुलिस ने रेड डाल दी है, चलो चलो जल्दी निकलो यहाँ से, हटो, छुप जाओ सब लोग, चलो जल्दी करो, जल्दी से अरे जल्दी चल, जल्दी पुलिस ने रेड मार दी है, उठ जा जल्दी, निकल 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 जल्दी। हेलो सलीम भाई, सबको बोल दो कि पुलिस आ रही है। हे चलो चलो जल्दी करो, निकलो यहाँ से, पुलिस आ रही है। पुलिस? चलो चलो जल्दी निकलो, चलो पुलिस आ रही है। पुलिस आ गई है भाई, जल्दी निकलो, निकलो यहाँ से, पुलिस आ गई है, चलो पुलिस आ गई है भाई, जल्दी निकलो यहाँ से। पुलिस कैसे आ गई है? टेंशन मत ले, पुलिस आ गई है। टेंशन की बात क्यों नहीं है? मैं अलमारी पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा। घुस जा घुस जा घुस जा अंदर, चल चल तू घुस जा, चल 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 है ना انت هنا يلا يلا تعال जी पता का, जी पता का बहन, पता का पता का। नहीं नाम इस वजह واحد الكغال اعتقال يلا go। हेलो बहन पता का, यलो सलाम साहब, जिब बताएगा, आई वाहद, कोई नहीं है साहब, माफी नफर मौजूद, हाँ माफी मुश्किल है। हेलो सलाम अलैकुम, नाम या सैयदी,
الحين انا يجي ما في مشكله انا يجي سلام صاحب داخل سياره هنا قاعد فشكه क्या हुआ यहाँ अकेले बैठकर रो क्यों रही हो तुम कुछ नहीं जी शिवा की याद आ रही है वो वहाँ किस हाल में होगा छोड़ो उसके बारे में अच्छे से ही होगा तुम सोचो बीट बीट गवार शक्कर में सवार इडली में सांबर सबकी नजर फरार ऑल द बेस्ट बेटा मुझे आशीर्वाद दीजिए भाई अरे बस खुश रहे बैग उठा ना चल टाटा बाय बाय थैंक यू काले राजा सोने के सब बिस्किट लेकर आऊंगा हेलो इंडियन एम्बेसी यहाँ इब्राहिम नाम का एक राक्षस है सर इब्राहिम I spoke with you from first day. You cannot do like this with workers. Wandal qayma bis sawda. Kya saab? Hamari sari companies ko blacklist mein dal diya. Theek hai ab yahan to kuch nahi kar sakte. Hum log Bangladesh jaakar business karte hain. Hey. Kya bakra hai? Un logon ka kuch pata chala? Are, chhodo main saab. Nahi chhodega. पूरा खाली वाली को पैसा दे आई नीड द इंफॉर्मेशन मेरे को लक्ष्मी मांगता है मैं लक्ष्मी को नहीं छोड़ेगी लक्ष्मी को नहीं छोड़ेगी हाँ ठीक है मैं बाद में कॉल करती हूँ अपना ध्यान रखना मेरी बेटी तुम्हें क्या हुआ परेशान हो मामा जी को फोन कर रही हूँ लेकिन उठा ही नहीं रहे माँ से 4 महीनों से बात नहीं की पता नहीं कैसी होंगी वो तो इस पर टेंशन लेने वाली क्या बात है मेरी हाँ इस हॉस्पिटल का पता ले लो सेंट मैरी हॉस्पिटल माँ का नाम रनम्मा एक मिनट महन दुनिया में ऐसा कोई भी हॉस्पिटल नहीं जिसमें साउथ इंडियन नर्स ना हो मैरी अभी सब कुछ पता कर लेगी चिंता मत करो आज या कल इंडिया चली जाओगी वहां जाकर खुश रहना बहन इसकी माँ को तो मरे हुए 4 महीने हो चुके हैं तुम्हारे माँ के नाम पर तुम्हारे नकली मामा ने पैसा ले लिया लगता है उसी का है हेलो लक्ष्मी माँ अभी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी डॉक्टर बोल रहे थे कीमोथेरेपी एक बार और करनी पड़ेगी तुम जल्दी पैसा अरेंज कर दो तो सॉरी जी मेरी माँ और मेरे मामा को मरे हुए 4 महीने हो गए हैं लक्ष्मी रॉन्ग नंबर लक्ष्मी इस देश से हमें बाहर जाना होगा बॉर्डर पार करना होगा इसके लिए चंद्र बात कर रहा है
एक बार हम बॉर्डर पार कर गए तो तुम अपने घर रह सकती हो। मैं कहीं भी रहूं एक ही बात है शिवा, मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, वहां मेरा कोई नहीं है। तुम मेरे साथ मेरे गांव चलो, अपने दिल में बसा के रखूंगा तुम्हें हमेशा। सुनिए जी, शिवा का फोन आया है, आपसे बात करना चाहता है। बोल बेटा, कैसा है तू? सब कुछ ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है पापा, आपका काम बहुत अच्छा है। अपने काम को छोड़कर पराए देश आ तो गया हूँ, पर आपके बिना दिल नहीं लगता। पापा, पापा मेरे लिए काम करोगे? एक साड़ी बनाओगे? साड़ी? एक नहीं 10 बना दूंगा। किसके लिए बेटा? उसका इस दुनिया में कोई नहीं है पापा, उसे मैं अपने साथ लेकर आ रहा हूँ। लेकर आ जा, बहुत ख्याल रखेंगे। जल्दी आ जा। पापा आप अपना ध्यान रखना। क्या कह रहा था? लगता है उसे मेरी बात समझ में आ गई है, आज मैं बहुत खुश हूँ। लक्ष्मी, बाहर शिवा तुम्हें लेने के लिए आया है। दीदी, जल्दी जाओ, इंतजार कर रहा है। ज्योति दीदी से मिल लेती। वो सब काम पर गई हैं, मैं उन लोगों को बता दूंगी। साहब, भागने का हिम्मत कैसा किया? You troubled me a lot, I will show you. दीदी, 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 दरवाजा खोलिए! मुझे माफ कर दीजिए। ये सब मेरा इलाका है, समझा? अब कौन बचाएगा? अरे वो मुझे मार के अंदर भाग गया, पकड़ा उसे। शिवा, चलो। उस्मान, पकड़ो, पकड़ो, कत्ल कर दो उन दोनों का। जाकुम, उइ, मारिन दूँ। जाकुम, उइ। शिवा, चलो। अरे बड़े। ये क्या है ना? भगवान समझा था, तुम तो इंसान भी नहीं हो, पैसों के लिए कुछ भी करोगी। ज्योति, सी, हटो। रुको ज्योति। शिवा,
अबे तेरे को खलास करेगी। हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम काम करने के लिए यहाँ आए थे, दुश्मनी करने के लिए बिल्कुल नहीं। जब हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं थी तब आपने हमें खाना दिया, आपके पैसे से मेरी माँ का इलाज करवाया, आप हमारे लिए भगवान हो। लेकिन ये सही है क्या? बोलिए, आपके घर में बच्चों को संभालने के लिए और उनकी देखभाल करने के लिए मैं यहाँ आई थी। हम भी तो आपके बच्चे की तरह ही है ना इब्राहिम साहब। अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें माफ कर दीजिए इब्राहिम साहब, हमें आप माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। आराम से जाना। यही है जो तुम्हें बॉर्डर पार करवाएंगे। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। शिवा, संभालो। हाँ, थोड़ा जल्दी करिए प्लीज। बस भाई दो मिनट। भाई कौन? मुझे नहीं पहचाना आपने? मैं करण, आपसे मिला था ना। शी भाई, उनसे बोलिए ना, बस आ रहे होंगे वो लोग। बस भाई दो मिनट में आ जाएंगे। थोड़ी देर और। दुख भरी है लेकिन अच्छी है कहानी। आखिर में मंगला की बहन को पटा ही लिया आपने। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? ये हैं अजीम भाई, मेरे स्पॉन्सर। सलाम वालेकुम। सलाम भाई। इन्हें अच्छी हिंदी आती है, इन्हें हिंदुस्तान की आया नहीं पाला है। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ इन्हीं की वजह से हूँ। बहुत अच्छे हैं ये। यहाँ पे हर किसी की कहानी एक जैसी नहीं होती, करोड़ों कमाने वाले भी हैं और तुम्हारे जैसे धोखा खाकर मुश्किलें झेलने वाले भी। एक वक्त ऐसा था कि माचिस के डिब्बे में साड़ी रखकर बेचते थे और अब देखो उसी माचिस की डिब्बी को दूसरे देश में खरीदने जाते हैं। वैसे भी जो भी मेहनत करता है ना हमेशा उसकी जिंदगी सफल होती है भाई। यही वो जगह है ना जो आपने बताई थी? हाँ यही है। थोड़ा और इंतजार कीजिए, बस वो आने वाले हैं। वो देखिए, हाँ, आ गए। शिवा, ये क्या हुआ, कैसे हुआ? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम लोग अंदर चलो। चलो चलो चलो, आराम से बैठो, बैठो, उठ ना लगे, संभल के चलो, जल्दी चलो। हाँ संभल के, संभल के। हाँ आराम से। तुम्हारे साथ जो भी हुआ है उसका मुझे बहुत अफसोस है। देखो दुनिया का कोई भी कोना हो, हर जगह पर अच्छे और बुरे लोग तो होते ही हैं। बस मैं तुमसे यही दरख्वास्त करता हूँ कि जितनी मेहनत तुमने यहाँ किया है अगर अपने देश में करो तो यहाँ से ज्यादा सुखी रह सकती हो। खुश रहो। खुदा हाफिज।
ये सब चुभेंगे शायद। गांव जाने के बाद क्या करोगे? हे, यहाँ के लोग जमीन से तेल निकाल के लाखों करोड़ों कमाते हैं, फिर हम लोग क्यों नहीं कमा सकते हैं? अपने गांव में जाके खेती करके फसल उगा के बेचेंगे यार, वो भी तो एक अच्छा व्यवसाय है ना। अच्छा बता, तू क्या करेगा? मैं लावण्या के साथ मिलकर गांव में एक दुकान खोलूंगा और अपने बच्चे को खूब पढ़ाऊंगा। अब गांव छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हे, तू क्या करेगा? हाथ से सिए हुए कपड़े लाकर गल्फ में आकर बेचूंगा, अपनी मुश्किलें नहीं अपना सामान लाकर बेचूंगा। कितना वक्त लगेगा? मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है यार। अगर हम यहाँ से निकलने में कामयाब हो गए तो बॉर्डर पार करने में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन यहीं पे बहुत से लोग पकड़े जाते हैं। मुल्किया, नाम सैयदी, कुलूवर का मौजूद, पासपोर्ट साहब, वेन परमिट, व्हीकल परमिट साहब। मुस्तकिल जाता तुम? طيب تعال تحت. طيب سيدي. اي مشكل؟ تحت فوق، تحت فوق. يلا يذهب لك معقف، يلا يلا جو سير سيده. ارسل اول بيبر كلير. اوكي داخل سياره ما في مشكل، ارسل بلاد الذهب، السلاح بلد المقبل. كراشر الذهب فور ريبير. طيب كل شيء طيب. طيب بوردر كروسنج ما في مشكل، ارسل ارسلك ارسل ارسل. ايه اب 10 منٹ میں بارڈر گیٹ آ جائے گا، بڑی بلا ٹلی. ہاں یار، اگر پکڑے جاتے تو ساری عمر جیل میں رہنا پڑتا. अरे यार, तूने फेरी से निकाल लिया? हे, चुप करना। सिर्फ एक दिन के बाद अपनी लावण्या को देखूंगा। जल्दी अंदर रख ले, नहीं तो कब क्या करने लगेगा मुझे बहुत डर लगता है। तेरी तो क्या बोलता रहता है हमेशा। इन्हें देख, यही लोग सही हैं। अरे यार, मैं भी जल्दी से शादी कर लूंगा, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पागल हो रहा हूँ तुम लोगों को देख के। हाँ हाँ, जाते ही कर लेना। يلا يلا
يلّا افتح باب، ما في مشكلة، كل شيء طيب. بخير، ما في افتح باب. درايور تعال هناك. نعم سيدي. السلام عليكم. وعليكم سب السلام. پیپر ٹھیک ہے صاحب؟ وہ سب ٹھیک. گاڑی کیا پرابلم تمہارا؟ نہیں تھوڑا ریپیئر ہے صاحب، ادھر جا کے ورک شاپ پہ کام کرانا ہے. چلو بابا جلدی چلو چلو. انا شوف الحين مسئلہ ما في. سٹارٹ کرو. سب اچھا ہے، انجن چالو ہے تمہارا، کیا مشکل ہے؟ کرشر خراب. کرشر پرابلم تم بولا، ہم چیک کرے گا صاحب. تھوڑا کرشر کا بٹن کدھر؟ صاحب نہیں صاحب،